हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग गॉड। मैं हूं गौरव और आज मैं आया हूं रणथंभौर फोर्ट, जो कि है मेरे पीछे। इफ यू कैन सी, तो चलिए मैं अभी इसके अंदर चलता हूं और आपको घुमाता हूं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं रणथंभौर किले की सैर। रणथंभौर किला या रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है, जो राज्य के रणथंभौर स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और यह राजस्थान में उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पर्यटन स्थल है जो रॉयल फैमिली या उनके जीवन को देखने के इच्छुक हैं। यह आकर्षण किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राजघराने का शिकारगाह थे। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। इस किले के बड़े गेट, स्तंभ और गुंबदों, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पार्क का रिजर्व क्षेत्र कई तरह के जानवरों और पक्षियों का घर है। किले के पास पर्यटकों को आमतौर पर बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो यहाँ आपको राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले मोर भी दिखाई दे सकते हैं। रणथंभौर किले के रहस्य और इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण कब हुआ उसका सटीक समय आज भी अज्ञात है, जो आज तक रणथंभौर किले का रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई पुरातत्वविदों का कहना है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा सपलक्ष शासनकाल के समय शुरू हुआ था। राजस्थान के शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा किया था। जब चौहानों ने किले का प्रबंध किया, तब इस किले को रणस्तंभ के नाम से जाना जाता था। रणथंभौर किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार हैं, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सत पोल और सूरज पोल हैं। और इस साइड क्या पत्थर है, तो कुछ तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेंटेन करने के लिए मैं सब कुछ हो सकता है यार, करना चाहे कमेंट दबा। ये हवन कुंड है, यहाँ से फोटो खींचनी पड़ेगी। देख छुपा, शिव जी का मंदिर। बिल्कुल भी सेंस नहीं। भैया जी,
लगी लगी खींच देता हूँ, एक बार एक मिनट रुक जाओ, खींच ही दूँ एक मिनट। पीछे गार्डन, तो ये सामने है गणेश मंदिर का रास्ता और इधर एक छोटा सा गढ़। सो पहले हम लोग गढ़ देख कर आते हैं और ये पार्क उस टाइम के हिसाब से बोलें तो बगीचा। ये भी कोई हिस्सा है इस किले का जो कि शायद बंद है काफी दिनों से, विजिटर्स के लिए ओपन नहीं है। वैसे तो ये गढ़ बता रहे हैं पता नहीं किसका, मतलब पुराने राजा का गढ़ होगा ये, छोटा एक सेपरेट, लेकिन फिलहाल ये लंगूरों का गढ़ लग रहा है। Now we are heading towards Ganesh Temple, जो आगे जाकर है। Temple Kalima उधर और ये मैगी पॉइंट रणथंभौर फोर्ट के अंदर। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर भी स्थित है जो यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। ये अंदर